तो बावड़ी पूछ आपके सामने खड़ा है। हरियाणा के बारे में जितनी बातें करूंगा ना मैं कम पड़ेगी, इसलिए मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो कभी टॉपिक मरता ही नहीं है, ये टॉपिक हमेशा जिंदा रहेगा। वैसे हरियाणा के आदमी की खास बात बता दूं, वैसे मैंने दिल्ली में भी नोट कर लिया, हरियाणा का आदमी इतना भोला होता है ना कि टॉयलेट में जाके लिखाता है सुनीता आई लव यू। इसे पूरा यकीन होता है सुनीता कहीं जाए ना जाए जेंट्स टॉयलेट में जरूर जाएगी। तो जितनी बातें करी जाए कम होती है हरियाणा के बारे में, इसलिए मैं आपको बता दूं मेरी खासियत यह है ना, मैं ना औरतों के बारे में ज्यादा बात करता हूँ। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इनके बारे में बात करना, क्योंकि औरतें जो है ना भगवान की सबसे प्यारी देन है। इतनी प्यारी हैं, आप इनसे प्यार कर लो आप भगवान को प्यारे हो जाओगे। सच मानिए, लोग कहते हैं आदमी बड़ा कठोर होता है, आदमी का दिल पत्थर का होता है, औरत के दिल में ममता होती है। मैं कहता हूँ बिल्कुल झूठ, मैं सिरे से निकालता हूँ इस बात को, आदमी का दिल बड़ा कोमल होता है और औरतों का कठोर होता है, और मैं साबित कर सकता हूँ। आप सोचो आप मेट्रो में जा रहे हो आनंद विहार से राजीव चौक, आपके बगल में एक लेडीज बैठी है और आपको गलती से नींद आ गई और आपका सर धीरे धीरे उनके कंधे पे जा रहा है, कंधे पे अभी टच नहीं हुआ आपके गाल पे पहले थप्पड़ पड़ जाएगा, क्योंकि कठोर औरतें होती हैं। सबसे पहले आपको थप्पड़ पड़ेगा, दूसरा आपको डांट पड़ेगी, तीसरी बुरी बात तो ये हो सकती है कि आपको बाकी पैसेंजरों से पिटवा भी सकती है। वर्स्ट केस सिनारियो, पुलिस में आपकी कंप्लेंट कर सकती है। लेकिन सीन को रिवर्स कर दो, आप मेट्रो में आनंद विहार से राजीव चौक जा रहे हो, आपके बगल में एक सुंदर सी लड़की बैठी है और उसको धीरे धीरे नींद आ रही है। लड़का अपने आप कंधा आगे कर देगा, क्योंकि दुनिया इधर की उधर हो जाए लड़की की नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदमी का दिल कोमल होता है। अगले को राजीव चौक जाना होगा, जहांगीरपुरी तक छोड़ के आएगा। और ये तो सच्ची बात है, आप एक बात बताओ, मतलब आदमी का दिल कोमल होता है इसलिए वो पत्नी से दबके रहता है। औरतों के पास कितने हथियार हैं, हजार तरीके के व्रत हैं औरतों के पास में, जो ये ना रखे तो पति की तबीयत खराब हो जाएगी, करवा चौथ ना रखा तो मरी जाएगा। और आदमी के पास में एक व्रत ऐसा नहीं है जो वो ना रखे तो पत्नी के जुकाम भी हो जाए। मेरे को तो याद है मेरी मम्मी के एक दिन बड़ा मन करा, बोली मेरे को सोने का सेट चाहिए, मैं कहां से दिलाऊं, पापा से मांगो, पति वो है आपके। कह रहे ठीक है, करवा चौथ के दिन का इंतजार। पापा ऑफिस से थके आ रहे घर से आए, बोले ए जी मुझे सोने का है ना सेट चाहिए। पापा ने बोला मैं नहीं दिला रहा। मम्मी किचन में गई, डोमिनोज का पिज्जा ले आई, बोली दिला रहे के खाऊं, मजबूरी में उनको दिलाना पड़ गया। अच्छा वही बात है ना जी, पति मर सकता है औरतों की वजह से, लेकिन आपने कभी नोट करे औरतें कभी मरती नहीं है। मैं सो रहा होता हूँ, मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, मेरी एमएनसी में काम करता हूँ। अभी परसों मेरे को मम्मी ने जगाया, अमन उठ। मैं क्या हुआ, अरे बगल वाले शर्मा जी मर गए। मैं कहा ठीक है चलेगा, क्रियाकर्म करके आए उनका। मुझसे पिछले महीने बात हुई, मैं सोया पड़ा था सुबह, अमन उठ। मैं क्या हुआ, अरे पीछे वाले वर्मा जी मर गए। मैं कहा ठीक है। तीसरा दिन, अमन उठ। मैं क्या हुआ, अरे कोने वाले गुप्ता जी मर गए। हमेशा शर्मा वर्मा और गुप्ता मरता है, आज तक मैंने नहीं सुना कभी शर्माइन वर्माइन या गुप्ताइन मरी हो। और ये फैक्ट है, आप नोट कर लो, कभी आप गलती से कब्रिस्तान में जाओ तो ये चीज नोट कर लेना, हजार कबर आप देख लोगे ना उसके बाद में 1001 भी कबर होगी किसी औरत की। रेशमा बेगम, उम्र 90 साल, मौत का कारण कत्ल, फिर भी कत्ल होके मरी, अपनी मर्जी से नहीं मरी। अखबार में देख लो, कहीं देख लो, आपको हमेशा मर्द मरते हुए दिखाई देंगे। पिछले दिनों अमेरिका में जलजला आया, एक औरत 3 महीने बाद मलबे में से जिंदा बाहर निकल गई। तालियां, जोरदार तालियां यार सब, ऐसी सारी लेडीज के लिए तालियां। साइंस पागल है, पूरी दुनिया पागल है, बोले मरती क्यों नहीं है, मैंने लॉजिक ढूंढ निकाला।
मैं कोई जरूरत नहीं है करोड़ों रुपए प्रोजेक्ट पे खर्च करने की, पता लगाने की कि क्यों नहीं मरती औरतें। औरतों के ना मरने मेकअप, यमदूत जो होता है वो मौत के फरिश्ते को भेजता है औरत की फोटो देके, कह रहा है ये औरत है इसको लेके आ जाओ। वो इसके घर में पहुंचता है, अब रात को तो मेकअप धो के सोती है, वो आता है मुंह पे से पर्दा हटाता है, शक्ल मैच करता है, कहता है ये वो औरत नहीं है, काम करो इसके पति को ही ले जाता हूँ। यही कारण है डेली सुबह शर्मा जी वर्मा जी और गुप्ता जी के मरने की खबरें आती रहती है। वो बेचारा फोटो लेके गली में घूमता रहता है, यार ये औरत रहती कहाँ है बता तो दो, उसको वो औरत नहीं मिलती। पर मेकअप की तो ऐसी बात है, वैसे एक भाभी जी है यहाँ पे बहुत हंस रही है, वैसे बाकी की लेडीज हंस नहीं रही है क्योंकि ये ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा के आई है। ब्यूटिशियन ने भी बोल रखा है ज्यादा हंसोगी जाके तो थोपड़े के पीओपी की गारंटी हमारी नहीं है। एक बार एक औरत ने इतना ज्यादा मेकअप कर लिया, मेकअप के नीचे दबके मर गई। बहुत बढ़िया, क्या बात है, तालियां भाई, जोरदार तालियां। ज्यादा सीटियां मत मारो, कटरीना कैफ नहीं खड़ी सामने। औरतों का आप नोट करो, ये कभी भी पार्टी में जाएंगी, औरतें पार्टी में गई, इनकी हमेशा सिर्फ दो चीजों पे नजर होती है, एक होती है अपने मेकअप पे, कमीना देख नहीं रहा, कमीना देख रहा है मुझे, और दूसरी नजर होती है इनकी अपने पति पे। एक मैंने देखा 60 साल की बुड्ढी आंटी, पार्टी में गया हुआ था मैं, 60 साल की बुड्ढी आंटी आई, उन्होंने पति को देखा दूर से, ए यू इधर आओ, पति आया, हाँ डार्लिंग क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं, मैं तो देख रही थी मेरी उंगली में अभी भी उतनी पावर है कि नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, तुम उस जवान लड़की के साथ में क्या कर रहे थे? पति बोला कुछ नहीं, मैं भी बस अपनी पावर ही चेक कर रहा था।